कि भाई हेडिंग क्या है अपने पास, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। ये हम काउंटिंग करने वाले हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस की, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर आपको? अब देखते हैं भाई काउंटिंग कैसे करते हैं। पहले तो अपने पास देखिएगा कि एक रिलेशन है, लेट ए रिलेशन क्या होगा, आर फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी, ये सारे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है भाई, ठीक है। और यहाँ से अब क्या करेंगे, अपने पास एक रिलेशन आ गया आर ए टू, ए टू क्या आ गया, बी, फ्रॉम सेट ए टू बी। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास जो क्या होता है कि द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम नंबर ऑफ रिलेशन रिलेशन आर फ्रॉम क्या होगा, अपने पास जो सेट होगा सेट ए टू बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, जो अपने पास ए क्रॉस बी होगा उसके इक्वल होगा। तो देखते हैं भाई, तो यहाँ से कि नंबर ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, एंड नंबर ऑफ बी सेट के अंदर एलिमेंट कितने भाई, क्यू, यहाँ तक आ गए। तो देन तो टोटल तो यहाँ से देखिएगा कि टोटल अपने पास पहले तो ये देखिएगा कि देन टोटल एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी के अंदर टोटल एलिमेंट क्या कितने होंगे, ए क्रॉस बी के अंदर कार्डिनलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ ए एलिमेंट डॉट ये। अब इसके अंदर एलिमेंट अपने पास पी और क्यू है, तो अब इसके टोटल सबसेट्स ऑफ क्या देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा कि देन टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा, टू की पावर पी क्यू आएगा, ठीक है। ये इसके अंदर टोटल सबसेट्स ऑफ टोटल नंबर, और अच्छे से लिखना चाहोगे तो टोटल नंबर लिख दो, टोटल नंबर ओ नंबर्स, टोटल नंबर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ये होंगे। दस टोटल नंबर नंबर्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या होगा भाई, ये इसके इक्वली होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया जनरलाइज।